हे गाइस, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ DIY एक्रिलिक नेल, जो आप घर पे ही कर सकते हैं। इनका जो पार्लर चार्जेस होता है वो बहुत हाई होता है, बट ये घर पे बहुत सस्ते में हो जाते हैं। तो बेसिकली आपको चाहिए रहेंगे इस तरह के नेल टेप, तो ये बेसिकली मिस क्लेयर के हैं। ये आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं, बहुत ईजिली मार्केट में मिल जाते हैं। उसके बाद आपको इस तरह का एक बफर चाहिए रहेगा, देन छोटी सी एक मैनीक्योर पेडीक्योर जो किट होती है, ये जनरली घर पे भी ये सामान होता ही है। तो अगर ये सामान आपके घर में है तो आपको कोई लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ घर का ही यूज़ कर रही हूँ मैं। उसके बाद एक ट्रांसपेरेंट नेल पेंट अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप लोकल ब्रांड की भी ले सकते हैं, ये मेबिलीन की है। और उसके बाद मैंने ये जो नेल्स को चिपकाने की ग्लू होती है वो ली है, तो ये भी मिस क्लेयर की ही है। तो मैं नीचे प्रोडक्ट के जो लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड देन एक सीजर मैंने लिया हुआ है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो नेल पेंट। और नेल पेंट आप ले सकते हैं, कोई सी भी लेना चाहते हैं, जो कलर आप लगाना चाहते हैं आप वो कलर ले सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो ये प्रोसेस। और हाँ, आपको एक और चीज़ लेनी पड़ेगी, वो है कॉर्नफ्लावर। तो इसका जो अभी मैं सब बाद में आपको बताऊंगी कि कैसे उसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप नेल पेंट रिमूवर से, ये मेरे पास कारा की नेल पेंट रिमूवर वाइप है, उससे अपने नेल को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, सारा नेल पेंट जो है वो निकाल लीजिए। और हम लोग जो पार्लर का ये प्रोसेस करवाते हैं उसमें आप ये देख सकते हैं, ये फोटो मैंने डाल करके रखी है, इस तरह से आपके नेल को बफ किया जाता है, इतनी गंदी तरीके से आपके नेल की हालत हो जाती है। बट जो हम घर पे कर रहे हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और ये बहुत अफोर्डेबल भी है। तो अब आपको क्या करना है, हल्का सा बफर लेकर के थोड़ा सा एक या दो बार इसको रब करना है अपने नेल के ऊपर, ताकि वो जो सरफेस है वो स्मूथनेस से थोड़ा सा हट जाए, और आपका जो नेल आप नकली लगाएंगे, जो आपका फेक नेल लगाएंगे, वो उस पर स्टिक रहे बहुत देर तक। अब आपको फेक नेल जो है वो सिलेक्ट करने होंगे, और आपको देखना होगा कि कौन सा आपके नेल के ऊपर फिट बैठेगा। तो हम लोग यहाँ पर एक नई चीज़ ये करने वाले हैं कि हम लोग पूरा पूरा नेल नहीं लगाएंगे, हम इसको हाफ तरीके से लगाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये तरीका ज़्यादा बेटर था, मैंने दोनों लगा करके देखे हैं, बट ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग था। बाय द वे, ये मेरा आइडिया नहीं है, ये मैंने यूट्यूब चैनल है अलेक्जेंड्रा का, उसका ये एक्चुअल आइडिया था, तो वहाँ से मैं इंस्पिरेशन लेकर के आप लोगों को बता रही हूँ। सो बेसिकली हम ये हाफ लगाएंगे, हाफ में लगाएंगे, और हम देखेंगे कि ये हमारे नेल पे फिट बैठ रहा है कि नहीं। देन हम लोग ग्लू लगाएंगे जहां पर भी हमको नेल को स्टिक करना है। अब नेक्स्ट प्रोसेस ये होती है कि आपको जब नेल आप लगा रहे हैं तो एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक आपको इस तरह से उसको दबा करके रखना है, पूरे नेल को बहुत टाइटली दबाना है, 20 to 30 सेकेंड्स। मैं तो बोलती हूँ 40 सेकेंड भी कर लोगे, आपका नेल जो है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है। एंड आपको प्रेस बहुत अच्छे से करनी है, यही इसकी मेन ट्रिक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो वो निकल जल्दी जाएगा 3 दिन में। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी अफोर्डेबल मेथड, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, क्योंकि जो पार्लर में हम करवा के आते हैं वो 1500 से लेकर के 2000 तक का रेंज स्टार्ट होता है। देन उसके बाद आपको जितने भी साइज़ का आपका नेल चाहिए आप उसको कटिंग करिए, शेप दीजिए, आपको जो शेप देना है वो शेप दीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल उठ करके आता है। मतलब आई एम लविंग माई नेल्स, और मैं पिछले 2 से 3 बार ये कर चुकी हूँ ऑलरेडी। मतलब पहले मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड किया कि ये हो रहा है कि नहीं एक्चुअली में, तो ये हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले मैंने प्लान किया था कि मैं अपना परमानेंट नेल करवाऊंगी, बट आई गॉट दिस आइडिया एंड आई एम रियली हैप्पी विद। नेक्स्ट आपको कॉर्नफ्लावर लेना है, मक्के का आटा लेना है, और उसमें आपको इस तरह से ट्रांसपेरेंट नेल पेंट मिला करके लगाना है। इससे होगा ये कि आपका जो अभी अनइवन सरफेस है वो पूरा स्मूथ हो जाएगा, मतलब जहाँ पर आपने नेल लगाया है उसके पीछे वाला जो पार्ट है वहाँ पर आपको लेकर के लगाना है। इससे पूरा जो भी अनइवननेस है वो चली जाएगी नेल की, एंड ये लगाने के बाद जब ये ड्राई अप हो जाए तो आप ट्रांसपेरेंट जो नेल पेंट है वो उसके ऊपर लगाइए पूरा नेल को स्मूथ करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा एक्रेलिक का इफेक्ट देता है, बहुत ही सस्ता सा DIY है ये। जब आपका ट्रांसपेरेंट नेल सूख जाए, नेल पेंट सूख जाए, तब आप कोई सी भी कलर का अपना नेल पेंट लगा सकते हैं, पसंद का आप चाहें तो नेल आर्ट कर सकते हैं, जो करना चाहें वो कर सकते हैं आराम से। ये 5 डेज चलता ही चलता है, मिनिमम ये 5 डेज चलता ही चलता है, अंटिल अनलेस आपने कोई बहुत हार्ड चीज़ ना लगाई हो। बस आपको जो नेल्स है वो अच्छे से स्टिक करना रहेगा। एंड आई गेस कि ये आजकल बहुत ट्रेंड में भी है, एक्रेलिक ना कराने की बजाय आप घर पे ही ये कर सकते हैं, काफ़ी सस्ता है एक्रेलिक, नहीं तो बहुत महंगा पड़ता है, 1500 से 2000। और वो जो आपके नेल को डैमेज करता है वो अलग, आपको कभी भी शादी में जाना है या कहीं फंक्शन में अटेंड करना है तो आप इसको कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर माय वीडियो, आई होप यू ऑल लाइक इट। इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। और अगर आप इस तरह का घर पे करते हैं तो मेरे साथ पिक्चर शेयर करना ना भूलें इंस्टाग्राम पे। टिल देन, बाय।